हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं भारत का एक पड़ोसी देश भूटान। हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत का पड़ोसी देश भूटान अपनी संस्कृति, साहित्य और अति आकर्षणीय पर्यटन स्थलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों, भूटान एक बेहद ही छोटा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल केवल 38,394 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे देश के एक राज्य केरला के बराबर है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश का पॉपुलेशन केवल 9 लाख है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश में 76% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तथा 24% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। दोस्तों, अगर साक्षरता की बात की जाए तो इस देश का लिटरेसी रेट 60% है और इस देश का कॉलिंग कोड +975 है। दोस्तों, वैसे तो भूटान बेहद ही छोटा देश माना जाता है, यह देश आज तक किसी का भी गुलाम नहीं रहा। दोस्तों, भूटान की एक तरफ चीन है तो दूसरे तरफ भारत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भूटान एक पहाड़ी देश है। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही दमदार है। यहाँ के पहाड़ियों में तैयार किया गया होटल काफी आकर्षणीय होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, भूटान में भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है और उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर जिंदगी को जिया जाता है। यहाँ के लोग बेहद ही शांत स्वभाव के होते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि भूटान को एशिया का सबसे हैप्पीनेस कंट्री माना जाता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि भूटान के लोग डांस के बहुत ही शौकीन होते हैं। यहाँ पर कोई भी ओकेजन में नाच गान के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, भूटान का कल्चर बहुत ही डिफरेंट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पिता की संपत्ति बेटे को नहीं बल्कि बेटी को दिया जाता है। भूटान के बारे में एक चौंकाने वाले तथ्य यह भी है कि यहाँ पर लड़का हो या लड़की एक से ज्यादा शादियाँ कर सकता है। सैलानियों के बीच भूटान अपनी अति मनमोहक पर्यटक स्थल एवं स्वादिष्ट खानों के लिए जाना जाता है। यह देश सैलानियों को कई रहस्यमय चीजों से भी रूबरू करवाता है। अगर आप इस खूबसूरत देश को सैर करना चाहते हो तो एक अच्छी बात यह भी है कि भूटान आने के लिए हम इंडियंस को किसी भी तरह का पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल एक परमिट बनाना पड़ता है, उसके बाद आप भूटान बहुत ही आसानी से घूम सकते हो। तो आइए जानते हैं, भूटान जाने के बाद वो कौन कौन सा स्थान है जहां पर घूमने के बाद आपके मन को बहुत ही सुकून मिलेगा। नंबर 1, चलीला पास। दोस्तों, चलीला पास भूटान का सबसे ऊंचा पहाड़ी है जहाँ पर आप ट्रैकिंग या गाड़ी की मदद से बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 13,000 फीट यानी कि 3,988 मीटर ऊंचाई वाली यह पहाड़ का सौंदर्य किसी जन्नत से कम नहीं है। इस ऊंचाई पर आने के बाद आपको शानदार दिलकश नजारे के साथ साथ यहाँ पर स्थित कुछ मॉनेस्ट्री का भी भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बर्फ से ढकी चोटियाँ और अति मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि यहाँ का सनराइज बेहद ही खूबसूरत होता है। तो दोस्तों, आप जब भी भूटान जाएं तो इस जगह को एक बार विजिटिंग जरूर करें। नंबर 2, टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री। टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री भूटान की सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। लगभग 400 साल पुरानी इस मॉनेस्ट्री का निर्माण सन 1692 में हुआ था। दोस्तों, इस मॉनेस्ट्री की ऐसी मान्यता है कि यहाँ गुरु पदम संभवा 3 साल 3 महीने 3 हफ्ते और 3 दिन तक ध्यान में लीन थे। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत ही आध्यात्मिक सुख मिलता है। दोस्तों, इस जगह पर पर्यटन आकर पहाड़ियों की वादियों में खो जाते हैं। पहाड़ों के बीचों बीच बना यह मॉनेस्ट्री बेहद ही शानदार और आकर्षणीय है। यहाँ आने के लिए आपको पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर आना पड़ता है, जिसका एक्सपीरियंस काफी सुहाना होता है। नंबर 3, गोल्डन बुद्ध पॉइंट। दोस्तों, भगवान बुद्ध की प्रतिमा के नाम से मशहूर गोल्डन बुद्धा पॉइंट भूटान में एक बेहद ही लोकप्रिय स्थान है, जो कि विश्व के विशाल प्रतिमाओं में से एक है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 177 फीट
यानी कि तकरीबन 52 मीटर है। मुख्य रूप से यह जगह बुद्धिस्ट लोगों का प्रार्थना का स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर प्रार्थना करने से भक्तों की हर इच्छा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों यही कारण है कि यहाँ पर आने वाले सारे पर्यटक थोड़े समय के लिए बुद्ध की प्रतिमा में लीन हो जाते हैं। नंबर 4, नॉर्जिम लॉम स्ट्रीट। दोस्तों अक्सर यह माना जाता है कि आप दुनिया में किसी भी कोने में घूमने चले जाएं, जब तक आप वहां शॉपिंग ना करें तब तक आपका ट्रिप अधूरा रहता है। और वैसे भी जब आप भूटान आए हो तो भला भूटान का फेमस मार्केट नॉर्जिम लॉम स्ट्रीट को कैसे भूल सकते हैं। यहां आपको भूटानी परंपरा के लिहाज से सभी चीजें मिल जाएंगे। आप यकीनन इस मार्केट में बहुत ही इंजॉय करने वाले हो। भूटानी कपड़ों से लेकर यहाँ का होम डेकोरेटर की काफी किस्म की वैरायटी यहाँ ले सकते हो। दोस्तों विंटर के कपड़ों के लिए तो यह जगह सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे वैरायटी के विंटर के कपड़े और बहुत ही कम दाम में मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप जब भी भूटान जाएं तो इस मार्केट का विजिटिंग एक बार जरूर करें। नंबर 5, जुरिजोंग फोर्ट। जुरिजोंग फोर्ट भूटान की सबसे फेमस घाटी है, जिसकी सुंदरता किसी को भी मनमोहित कर देता है। दोस्तों कपल्स के लिए तो यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पुरानी शैली से बना एक फोर्ट बना हुआ है। दोस्तों यह फोर्ट एक नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों यहाँ का शांतिमय वातावरण आपको बेहद ही पसंद आएगा। भूटान में करें ट्रैकिंग का सैर। दोस्तों आप भी अगर प्रकृति की गोद में हसीन वादियों का सैर करना चाहते हैं, तब तो आपको भूटान में एक बार ट्रैकिंग जरूर करना चाहिए। भूटान में ट्रैकिंग का एक अलग ही मजा है। यहाँ की हिमालय के पहाड़ियों में ट्रैकिंग करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। अगर आपको ट्रैकिंग का मजा लेना है तो आपको गर्मियों के मौसम में यहाँ आना चाहिए। और अगर आप स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं, तब तो आपको न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भूटान की वादियों में करना चाहिए। दोस्तों यही वजह है कि भारत से बहुत सारे यंगस्टर सिर्फ ट्रैकिंग करने के लिए भूटान जाते हैं। और जाए भी क्यों ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना, रात को टेंट लगाना, रात में आग जलाकर खाना बनाना और दोस्तों के साथ हसीन लम्हे को यादगार बनाना, और क्या चाहिए किसी भी ट्रिप में। यकीन मानिए दोस्तों आप भूटान जाएंगे तो यहाँ के वादियों में खो जाएंगे। तो दोस्तों सोच क्या रहे हो, अगर आप भी कभी भूटान नहीं गए हो तो फटाफट अपना प्लान बना लीजिए और इस बार भूटान जरूर हो आइए। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों, रोजमर्रा के तूफान में एक बार तो आइए भूटान में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लगे हाथों लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।